तो हम इस गवाही को सुनेंगे। इस ब्रदर का नाम सर्वजीत है, ये अमृतसर के ही रहने वाले हैं और थोड़े दिन पहले ये जिस कंपनी में जॉब करते थे वहाँ पे गए तो किसी दूसरे बंदों में से जो इनके साथ रूम में थे उनमें से एक को, क्यों जी, एक को कोरोना था। हाँ जी सर, एक आदमी को कोरोना था। एक आदमी को कोरोना था जिसकी वजह के कारण ये इनके साथ थे। आप उस रूम में कितने जाने थे? तीन सर। तीन बंदे थे। हाँ, और एक बंदे की वजह के कारण दूसरों को भी क्या हो गया, और वही वायरस, वही कोरोना ने ये भी उसकी पकड़ में आ गई। क्या आ गई? और जब इन्होंने मेरे से बात की कि ऐसे ऐसे करके ये प्रॉब्लम होगी कि हमारे रूम में एक बंदा, कहाँ से आया था वो? वो सर बिहार से? नहीं नहीं सर, वो बिहार से था और जिसको ज्यादातर उसके साथ टच में रहने के लिए हुआ था वो खलचियों का था। वो खलचियों का था। हाँ, उसके कारण हो गया, ठीक है। और इन्होंने जब ये प्रॉब्लम इन्हें भी होगी तो इस वायरस से, इस कोरोना वायरस की मतलब जो ये वायरस है, इंसान का जो शरीर है वो वीकनेस, उसमें कमजोरी आ जाती है, उससे वो कुछ भी फिर खाता नहीं है, खाने को मन नहीं करता। तो ये चीज इनके साथ भी होगी, ऐसे ही हो गया। तो मैंने इन्हें, जब मेरी इनसे बात हुई तो मैंने कहा चिंता मत करो, जिस काम के लिए आप गए हो आप खड़े रहो, परमेश्वर आपके साथ है। पर कुछ किसी कारण ये इनका मन, हालात के कारण वहां पे इनका मन टिक नहीं पाया, इसलिए ये वापस आ गए। क्या आ गए? किस जगह पे थे आप गए? सर गुजरात। गुजरात से? तो ये गुजरात से फिर वापस आ गए उस कंपनी से अपने जहां पे काम करते थे। और मुझे तो तब पता चला जब ये घर आ गए। हाँ, मैंने कहा कि मैंने तो इन्हें कहा था कि आप रुको यहीं पे, और उसके बाद ये आ गए। और मैंने फिर इन्हें कहा कोई बात नहीं, हम किसके लोग हैं। हाँ, परमेश्वर अपने लोगों को कहता है कि अगर तुम आग के बीच भी होकर जाओ तो आग तुम्हारा कुछ भी बगाड़, आग तुम्हें साड़ ना सकेगी। अगर तुम नदियों से भी जाओ तो वो तुम्हें डबो ना सकेंगे। परमेश्वर की मैन ऑफ गॉड, जो परमेश्वर के लोग, उसके जन, उनकी कितनी कितनी वैल्यू है परमेश्वर के साथ। क्या उनकी कितनी वैल्यू है, कीमत है, पर लोगों को पता नहीं, समझे। और जब मैंने इन्हें उत्साहित किया कि नहीं कुछ नहीं है, बस विश्वास करो, और पिछले वीरवार मैंने इन्हें कहा आप आ जाओ कोई बात नहीं, और वीकनेस ज़्यादा होने के कारण ये आ ना सके। और जब मीटिंग समाप्ति के बाद ये वीरवार को यहाँ पे आए और मैंने इन्हें टीच किया और सिखाया, और इन्हें वायरस था। हाँ, और वायरस, हमारी जो सरकार है वो बताती है ना कितने गज की दूरी रखो। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, मैं नहीं कहता कि सेफ्टी करना अच्छी बात नहीं है। बोलो क्या है? अच्छी बात है, सेफ्टी करना अच्छी बात है, पर डरना एक अलग चीज है, समझते हो। तो जब आई मैंने टीच किया और इनके सिर पर हाथ रखकर मैंने इन्हें हीलिंग, प्रेयर हीलिंग इन्हें चंगियाई दी। क्या की? इनके सिर पर हाथ रखकर मैंने चंगियाई दी इन्हें। क्या मुझे डर नहीं है कि मुझे वायरस हो जाएगा? इस बंदे को हुआ तो मुझे हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हमारे साथ कौन है? परमेश्वर है। क्या है बोलो? हमारे साथ परमेश्वर है। पर मैं एक चीज आपको कहता हूं, डर उस बंदे के अंदर नहीं है जो परमेश्वर से खरा और सच्चा और उसकी हर आज्ञाओं और नियमों को मानता है, समझते हो। और जैसे ही, क्योंकि मैं जानता था कि जैसे ही मैं खुदा पर विश्वास करता हूं, चलता हूं, मेरे अंदर कोई डर ना थी। और जब मैंने इन्हें ऐसी चंगियाई दी तो उससे पहले हम इनकी रिपोर्ट देखेंगे, जो पहली रिपोर्ट है। दिखाना जी इनकी पहली रिपोर्ट। हाँ देखो, ये पहली
ये पेशेंट नेम सर्बजीत एस, इनकी उम्र 30 ईयर, हॉस्पिटल का नाम भी, और साथ में जो तीर का निशान है हमने इस साइड छोटा जो राउंड किया है उसमें आया कि ये पॉजिटिव है, इस कोरोना की बीमारी से ये क्या है, पॉजिटिव है। पर जब मैंने वीरवार को बताया और क्या हुआ, उसी दिन उसे वीरवार के बाद अब कब गई रिपोर्ट कराने दोबारा, कल गए थे सर, कल गए थे सैटरडे, और कल जब आपने रिपोर्ट दिखाई और हम कल की रिपोर्ट भी देखेंगे, कल की रिपोर्ट दिखाना, हाँ ये देखो ये कल की रिपोर्ट है जो इन्होंने कराई, देखो अभी इसमें क्या है, नेगेटिव, कोई कोरोना नहीं, कोई वायरस नहीं, कोई कोरोना कोई वायरस नहीं, इसलिए परमेश्वर महान है जिसने कहा हे मनुष्य तेरा काम मेरे लिए कोई भी बड़ा, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस पर हम विश्वास करते हैं वो मृत्यों को भी जीवित करने की क्या रखता है, जिंदा करने की सामर्थ रखता है, पर हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए उस पर, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्या करता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके अंदर कितना विश्वास है, परमेश्वर तो सब कुछ करने की क्या रखता है, सामर्थ, समझते हो, पर ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना विश्वास करते हैं, ठीक है। जैसे इस भाई ने जब परमेश्वर की बातों को उसके वचनों को सुना और विश्वास किया, समझा, और परमेश्वर ने क्या कर दिया, हाँ टाइम लगा, टाइम लगा, कुछ भी नहीं लगा, समझा रही है, इसलिए परमेश्वर के लिए हमारा कोई भी काम बड़ा नहीं है, भाषा में विश्वास करने की जरूरत है और जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा उसके साथ चलने की जरूरत है, आमीन, हालेलुया, इस गवाही के लिए हम जोर से परमेश्वर की तारीफ करेंगे, जोर से, जोर से।